Welcome to my channel Vidya Roth. So today's recipe is sandwich. Let's move on to making. प्याज ले लेंगे, टमाटर, ये मैंने मिर्ची ले ली है, नमक, काली मिर्च, ये मैंने कैबेज लिए हैं, कद्दूकस कर लिया है मैंने इसे, और ये मैंने म्योनीज लिया, ये होममेड म्योनीज है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं म्योनीज की रेसिपी। अब हम प्याज डाल लेंगे जिसे मैंने फाइनली चॉप कर रखा है, एंड ये टमाटर इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर रखा है बिल्कुल, मिर्ची, एंड ये कैबेज, अब हम नमक डाल लेंगे, वो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना कि आपको कितना नमक चाहिए, वैसे हाफ टी स्पून काफ़ी नमक होगा बिकॉज मेयोनीज में भी हमारी नमक डली हुई है। अब हम ये काली मिर्च डाल लेंगे, ये भी हम हाफ टी स्पून ले लेंगे, ये मेयोनीज होममेड है जिसे मैंने घर पे बनाया है, आप मेरे चैनल पे इसकी वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो अब हम इसमें मेयोनीज ऐड कर लेंगे, हमें उतनी मेयोनीज ऐड करनी है जिससे हमारा ये बैटर एकदम जॉइंट हो जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर अभी ड्राई हो रहा है, सो मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज और ऐड करी है। अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बना है। अब ये मैंने ब्रेड ले लिया है हार्वेस्ट की, अमूल का बटर, एंड जो हमने बैटर तैयार करा है वो। अब ये मैंने ब्रेड को बाहर निकाल लिया, अब हम इसकी साइड्स को कट कर देंगे, एक एक करके कट करें बिकॉज ब्रेड बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो एक साथ कट ना करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड्स को कट कर दिया है, एंड मैं इनके भी ऐसे ही साइड्स को कट कर लूँगी। अब मैंने सारे ब्रेड्स की साइड्स को कट कर लिए हैं, अब हम इस पे ये बटर लगाएंगे। हम दूसरे ब्रेड पे भी बटर लगा लेंगे। अब हमने दोनों ब्रेड पे बटर लगा लिया है, अब हम ये फिलिंग इस पे डालेंगे। अब इस तरीके से हम ये पूरा कवर करके इस पे अपना ये ब्रेड लगा लेंगे।
अब हम चाकू की मदद से इसे सैंडविच के शेप में कट कर लेंगे। बहुत आराम से कट करिएगा, बिकॉज़ ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट होता है, सो इसकी शेप ख़राब ना हो जाए इसलिए। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना हेल्दी लग रहा है ये, एकदम मार्केट जैसा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम अपना सेकंड सैंडविच बनाएंगे। इसमें हम अपना फ्राई सैंडविच बनाएंगे। सो इसमें भी आपको इसी तरीके से ब्रेड पे पूरा बटर लगा लेना है। अब मैंने पूरे ब्रेड पे बटर लगा लिया, मैं सेकंड ब्रेड पे भी अपना ये बटर लगा लूँगी। अब मैंने सारे ब्रेड पे ये बटर लगा लिया है चारों पे। अब मैं इसको भी फिल कर लूँगी। एंड अब मैंने ये दोनों ब्रेड फिल कर लिया, एंड अब इसे मैं कवर कर दूँगी। अब हम इसके ऊपर भी बटर लगा लेंगे, बिकॉज़ हमें फ्राई करना है, सो हमें इसके ऊपर भी बटर लगाना है। हमें ब्रेड की दोनों साइड पे बटर लगाना है। अब मैं इसके बैक साइड पे भी बटर लगा दूंगी। अब ये हमारे ब्रेड के दोनों साइड बटर अब हम लग गया है। इस गैस पे अपना ये पैन रख देंगे और चेक कर लेंगे कि ये ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना हो, लो ही फ्लेम पे रखिएगा आप अपना गैस। एंड इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा टूट रहा था। आप स्पून की हेल्प से ही इसे सेकना। एंड अब ये ब्रेड फ्राई हो चुका है, अब इसे मैं प्लेट में निकाल इसी लूँगी। तरीके से हम अपने सारे ब्रेड फ्राई कर लेंगे। एंड अब मैंने ये फ्राई कर लिया है अपना ब्रेड, अब इसे मैं सैंडविच के शेप में कट कर लूँगी। अब मैंने अपनी ये दोनों सैंडविच कट कर लिए हैं। सो देख सकते हैं आप, हमारे सैंडविच तैयार हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें।